लॉकडाउन में फंसे लोग अब परेशान हो रहे हैं। वह घर जाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। हैदराबाद से आए एमपी राजस्थान जा रहे लोगों को कोराड़ी में रखा गया था। वहां से वाड़ी के रामकृष्ण सभागृह शेल्टर होम में बीते 18 दिनों से रखा है। वाड़ी में रखे गए नागरिक त्रस्त हुए हैं। हालांकि नगर परिषद की ओर से सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात है, लेकिन अब नागरिक रुकने के लिए तैयार नहीं। बुधवार को यहां पर रखे महिलाओं ने पुलिस के सामने घर नहीं जाने दिया तो आत्महत्या करने की धमकी दे डाली, जिसकी जानकारी पुलिस ने वरिष्ठों को दी है। नागरिक कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हम सभी तंदुरुस्त हैं, बस हमें जाने दो, घर जाने दो, हम पैदल ही जाएंगे, हमें राज्य के बॉर्डर तक छोड़ दे, यह गुहार लगा रहे है। वाड़ी में 55 लोगों को रखा गया। वाड़ी के रामकृष्ण सभागृह को शेल्टर होम बनाया गया है, जिसमें कुल 55 लोगों को रखा गया है। मध्य प्रदेश से 21 पुरुष, 17 महिलाएं, 12 छोटे बच्चे हैं, तो राजस्थान के 3 पुरुष, 1 महिला, महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी का 1 पुरुष वाड़ी के रामकृष्ण हॉल में बीते 18 दिनों से रखे हैं, तो कुछ लोगों को 25 दिन हुए हैं। इस पर वाड़ी पुलिस का विशेष ध्यान है। खाने पीने की व्यवस्था सामाजिक संस्था और नगर परिषद द्वारा की जा रही है। सभी सुविधा होने के बावजूद अब लोग रहने के लिए तैयार नहीं। 3 मई के बाद जाने नहीं दिया तो जान देने की धमकी देकर लोगों ने बताया कि यहाँ का खाना हमें हजम नहीं हो रहा, पेट में तकलीफ हो रही है। रोगाच्या पार्श्वभूमीवर काही मार्गस्थ जे मिळून आले आणि त्यांची सोय शासनातर्फे आमच्या वाडी पोस्टच्या आधी रामकृष्ण हॉलमध्ये करण्यात आली आहे। असे 55 मार्गस्थ सध्या इथे मुकामी आहेत। लहान मुलं, महिला, जेंट्स असे मिळून त्यांची राहायची व्यवस्था इथे करण्यात आलेली आहे। नगरपालिकेतर्फे सुद्धा जेवणाची व्यवस्था असते। आम्ही आमच्यापर्यंत सुद्धा जे काय शक्य होईल ते त्यांना जेवण वगैरे पुरवायचा प्रयत्न करतो। आमचा बंदोबस्त इथे आम्ही नेमलेला आहे। लोकांच्या समस्या भरपूर असतात, बाहेरनं आलेले लोक असल्यामुळे, पण काही गोष्टी ॲडजस्ट कराव्या लागतात। त्याप्रमाणे यांनीसुद्धा सहकार्य केलेलं आहे। मिळून मिसळून दिवस आतापर्यंत काढलेले आहेत। बहुतेक लवकर त्यांची परत जाण्याची व्यवस्था शासनातर्फे होणार आहे, त्यांना तशी माहिती पण देण्यात आलेली आहे। हम मजदूर लोग हैदराबाद मजदूरी करने के लिए गए थे। कोरा टाउन के चलते हुए वहाँ मजदूरी फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाने के कारण हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे। यहाँ नागपुर कोराड़ी गाँव के पास पुलिस वालों ने हमें उनके संरक्षण में ले लिया और हमें पाठक जी, PIG साहब है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से अच्छे रख रहे, हर प्रकार का सहयोग उनसे हमें मिल रहा है। हमें एक मेहमान की तरह रखा जा रहा है, लेकिन खाना बनाने वाला थोड़ा गड़बड़ कर देता है बीच बीच में, कभी कभी अच्छा ले आता है, कभी करके आ जाता है, लेकिन हमें PI साहब ने बहुत अच्छा रखा है यहाँ पे। उनका हमें बहुत प्यार मिला है यहाँ पे। उनकी देख रेख में पूरा हमें दिन में 2 बार आके हमें संभालता है, दिन रात करके जब भी हमें लगता है तो हम उनको बुला लेते हैं। और हम यहाँ पे 55 लोग हैं यहाँ पे, उनमें 18 लेडीज है और 16 जेंट्स है जो हम मध्य प्रदेश से, और बाकी 9 बंदे और भी है इनमें, उनको मिला के हम टोटल 55 हैं, 13 छोटे बच्चे हैं। इन BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।